محمود أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. आपसे गुजारिश कर रही थी कि हमने दुनिया में सजा दिया कि मसल से की जिस आया मुबारक वो मौसू को करार दिया है, अगर जे किसी खाकी इंसान के बस में नहीं कि वो कुरान करीम की किसी आयत की सही तशरी व तफसीर बयान कर सके, उसके तफासिल के साथ, जुजियात के साथ, रिजाकारियों के साथ, मगर वो एक शेर है तो अगर आप पूरे समंदर को पानी नहीं पी सकते तो बकदर तश्मी की बड़ी अच्छी शेर, जितनी आपने इस्तेदात है उसके मुताबिक बहरहाल कोशिश करना चाहिए। आप बेदरिया का अगर न धवान खुशी बकदर तश्मी की बड़ी अच्छी शेर, तो उसी के पेश नजर हमने कुरान करीम की इस आया मुबारक को मौजू बनाया है, क्योंकि कुरानी करीम ने खालिक कायनात ने इस मौजू को इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत दी है और इंसानी जिंदगी में इसकी अहमियत है भी बहुत ज्यादा। बस चीजें हैं उनकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते जबकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मगर ये एक ऐसी चीज है कि हर इंसान इसकी इम्पोर्टेंस को किसी हद तक समझता है और वो मसला मसला दुआ है। قال ربكم ادعوني استجب لكم, तुम्हारा परवरदिगार कहता है ادعوني मुझे पुकारो, استجب لكم मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम्हारी पुकार पर लबैक कहूंगा। और फिर कुरान फरमाता है इन الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, इन الذين بشكوا افراد يستكبرون जो तकबर करते हैं, अन इबादती मेरी इबादत से, सैयद खुलून जहन्नम दाखिली हम उन्हें जहन्नम में या वो जहन्नम में मुंह के बल गिरा दिए जाएंगे, खालिक कायनात उन्हें जहन्नम में गिरा देगा ज़िल्लत व रुसवाई के साथ। जब इमाम मासूम से पूछा गया कि इस आयत में इबादत से क्या मुराद है तो आका ने इरशाद फरमाया अत्तुआ। जब मासूम से पूछा गया अय्युल इबादत अफजल, सबसे बेहतरीन इबादत बारगाह खुदाबंदी में कौन सी मासूम होती है, तो आका ने फरमाया अफजल इबादत अत्तुआ, खुदा की बारगाह में सबसे बेहतरीन इबादत उसकी जात के साथ मुर्तबित रहना, वाबस्ता रहना।
और वाबस्तगी और इर्तिबात उसकी जात के साथ बरकरार करने के लिए जो बेहतरीन और मुअस्सिर तरीन और मुफीद तरीन जरिया है वो दुआ है। इन दो लफ्ज़ों से बरामद होने वाली वो कलिमात है मा सदरा मिन सदर नकी बकल तकी, जो पाको पाकीज़ा दिल से निकले, आमा के वजूद से निकले, दिल की तहों से जबान पर जो अल्फाज जारी हो जाएं खुदा उनका खरीदार है। और इसीलिए खालिक कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ मेरे हबीब इन लोगों से फरमा दीजिए, लौला दुआउकुम मा याबाउ बिकुम रब्बी, अगर ये जमजमा हाई दुआ तुम्हारे लबों पर ना मचलते तो तुम्हारा खुदा कभी तुम्हारी परवाह न करता। ये दुआ बहुत बड़ी रहमत है, ये सआदत उज़्मा है इंसान के लिए। जैसा कि मासूम ने एक मकाम पे अपनी मुनाजात में इरशाद भी फरमाया है, वमिन अअज़म निअमि अलैना, परवरदिगार तेरी अजीम तरीन नेमत में से एक नेमत ये है कि तूने मुझे अपने साथ मुखातिब होने की इजाजत दी, तूने मुझे ये इजाजत दी कि मैं तुझसे मुखातिब हूँ, तूने मुझे अलाउ किया, मुझे इजाजत दी कि तेरा जिक्र मेरी जबान पर जारी हो जाए। वमिन अअज़म निअमि अलैना जरयान जिक्रका अला अलसिनतिना, कहाँ मेरी जबान और कहाँ तेरा पाकीज़ा जिक्र, कहाँ मेरी जबान और कहाँ तेरी बारगाह में तुझसे खिताब करना। तो ये बहुत बड़ी सआदत है जो खालिक कायनात ने इंसान को अता की है। इन्नल्लाह अवहा इला दाऊद अलैहिस्सलाम, मन इनकता इलैया कफीतुहु व मन सअलनी अअतीतुहु व मन दआनी अजबतुहु व इन्नमा उअख्खिरु दावतहु व हिया मुअल्लका वक़द इस्तजबतुहा लहू। खालिक कायनात हदीस कुदसी में अपने नबी से खिताब करता है, दाऊद नबी से खिताब करता है, इन्नल्लाह अवहा इला दाऊद अलैहिस्सलाम, खुदा दाऊद से खिताब करता है। चूंकि दुआ के कुछ उसूल बयान किए गए हैं, कुछ ऐसे जवाबित हैं उसूल हैं जिनसे दुआ शरफ इस्तेजाबत से हमकिनार होती है। हमने भी अपनी बहुत सी मजालिस में बहुत से मेंबरों पर मसअले दुआ को उजागर किया और मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ औकात में दुआ के फरामीन जो अपने ऑडियंस से शेयर किए, लेकिन इसके बावजूद इतना ज्यादा मवाद है इस मौजू पर मसअले दुआ पर कि जितनी गुफ्तगू चाहे करते चले जाएं और उसमें नए सवालात जन्म लेते हैं और नई नई चीजें जो सामने आती हैं कि मासूमीन ने दुआ को किस तरह से मुतारिफ कराया है, आदाब दुआ क्या है, उसलूब दुआ, किजाबत दुआ के अवामिल असबाब इलल क्या है, इंसान मोमिन को किन शराइत के साथ दुआ करना चाहिए और असली दुआ क्या है। तो दुआ हकीकत इबादत है। जो मैंने आपसे गुजारिश किया था कि अशराए उला में हमारी मजालिस आज़ा का मौजू बंदगी रहा, अब्दियत, वमा खलकतुल जिन वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नो इंस को पैदा किया इसलिए कि वो हमारी बंदगी करें। ये खालिक कायनात ने खिलकत इंसानी का अहम तरीन मकसद गुशरद किया है कारवान नौ इंसानी के, कि इंसान की खिलकत का मकसद अब्दियत है, बंदगी है, बारगाह खुदा में सर तस्लीम खम करना है, उसके अवामिर की तामील है, इम्तिसाल अम्र मौला, उसके फरामीन पर अमल पैरा होना, मुहर्रमात इलाही के इर्तिकाब से खुद को महफूज व मसकून रखना और वाजिबात और फराइज की अदायगी पर कमर बस्ता रहना और मशीयत इलाही के तकाजों पर अपनी निगाह रखना और अपनी जिंदगी को मर्जी मौला के मुताबिक बसर करना, खुद को मर्जाती इलाही के साजे में ढाल कर रिजाए इलाही का आईनादार किरदार बनकर हम वक्त मंशा इलाही की तकमील के लिए शाहराह हयात पर सरगर्म अमल रहना, ये अब्दे मोमिन की शान है और ये अब्दे मोमिन की जिम्मेदारी है जो खालिक कायनात की जानिब से उसको सौंपी गई है। तो हमारा अशराए उला में मजालिस आज़ा का मौजू यही था, सूरह मुबारक ज़ारियात की आयत वमा खलकतुल जिन वल इंस इल्ला लियाबुदुन।
इंसान अब्दियत के लिए, बंदगी के लिए पैदा हुआ। तो जब खाली के कायनात ने उसे अपनी गुलामी के लिए पैदा किया, अपनी अब्दियत के लिए, सनातु काले नफसी खलक तो काले अजली, ए इंसान तेरे अपने पास कोई चॉइस नहीं, हमने तुझे अपनी खिदमत के लिए पैदा किया है, हमने तुझे अपनी इताअत के लिए सफाए हस्ती पर पेश किया है, हमने तुझे वजूद अता किया ताकि तू हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी रजा के तकाजों से हम आहंग जिंदगी बसर करे, तो तेरे अपने पास कोई चॉइस नहीं है। हमारी जैसा कि हम दुआए मुबारक कुमेल के कलिमात हैं, या सैयदी व मौलाई असअलुका मौला कायनात दुआए शरीफ कुमेल में तारुफ कराते हैं कि इंसान मोमिन को खुदा से मांगना क्या चाहिए, क्योंकि हमें ये भी मालूम नहीं, इतना शुऊर तो होना चाहिए कि हम क्या मांगे। हम अपने मियार के मुताबिक उससे मुखातिब होते हैं। उसने मुखातिब होने की ना सिर्फ ये कि इजाजत दी है, बल्कि इस खिताब को बरतरीन इबादत करार दिया है, अफसल तरीन इबादत करार दिया है। ये जो जमजमा आए तो आलमों पर मचलते हैं, ये मतलब मौला अमल है, और खालिक कायनात ने इसको सिर्फ इबादत का दर्जा नहीं, सिर्फ हमारे फरीजे के तौर पर मुतारिफ नहीं कराया, बल्कि इबादत में से अफजल तरीन इबादत करार दिया है। तो यकीनन जो हम अपने जहनी और फिक्री में यार के मुताबिक तय करते हैं कि खुदा से क्या मांगना चाहिए, यकीनन वो नहीं, हमें उसी जात की जानिब रुजू करना चाहिए कि वो क्या चाहता है, हम उससे किस तरह मुखातिब हों और हमसे उससे क्या तलब करें, इसलिए कि हमारी मसलहतों को भी हमसे बेहतर वही जानता है, उसको मालूम है, वो हकीम मुतलक जात है, वो जानता है कि हमारी मसलहत क्या है और हमारे जरूरियात क्या है, किस इंसान के लिए जिंदगी में क्या क्या वसाइल मुहैया होना चाहिए। जैसा कि मौला कायनात का फरमान है कि जब मैं बारगाह खुदाबंदी में अपने खुदा से इर्तिबात में आता हूँ, मुर्तबित होता हूँ, राज नयाज करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, दामन नयाज को फैलाता हूँ, जब कलिमात दुआ मेरे लबों पर जारी होते हैं और मैं उससे कुछ मांगता हूँ, तो उसके बाद जब उस दुआ के नताइज जाहिर होते हैं तो जाहिर है दो में से एक नतीजा होगा, या दुआ कबूल होगी और या नहीं होगी। तो फरमाते हैं कि अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो मैं इस बात पर खुश होता हूँ उसने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, और अगर कबूल ना हो तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ, इसलिए कि उसने मेरा तकाजा नहीं अपनी उसने अपनी हिकमत के मुताबिक मेरी मसलहत को पेश नजर रखते हुए उसने अपनी मर्जी से फैसला किया, और वो हकीम मुतलक जात है और उसका कोई अमल हिकमत से खाली नहीं। तो ये इंसान है, घबरा जाता है, बीमारी है तो इंसान, और यकीनन मासूम ने फरमाया है कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके बावजूद खालिक कायनात का कोई अमल, उसका हमसे कोई रवैया वो खैर से खाली नहीं, उसका हर हर अमल हर अता सरापा खैर है। अगर आप पे बीमारी आती है खुदा ना खास्ता, तो वो अल्ताफ खफिया इलाही में से एक लुत्फ खफी है, वो नेमत इलाही में से एक नेमत है, क्योंकि वो फॉरगॉटन ब्लेसिंग्स, वो अल्लाह की रहमतें जो फरामोशी की नजर हो जाती हैं, उसकी वो इनायतें जो आप भुला चुके हैं, जब बीमारी आती है तो वो इंसान को उन नेमात की याद दिलाती है, तो इंसान उस मकाम में मुअल्ला पर पहुंच जाता है। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया कि जब किसी मरीज की इयादत के लिए जाओ तो उससे कहो कि तुम्हारे हक में दुआ करे, क्योंकि वो खुदा से इतना करीब हो चुका है। और ये इंसान की आजमाइश है। गुज़श्ता साल हमारी मजालिस आज़ा का टॉपिक आजमाइश रहा, डिवाइन ट्रायल्स, अल्लाह की जानिब से जो इंसान पर आजमाइशें आती हैं,
वो मेरा ये ख्याल था, ख्वाहिश भी थी कि इस साल भी मैं यही मौजू रखूं अपनी मजालिस का। गुज़श्ता साल तो मैंने आजमाइश के मौजू पर 45-50 तकारीर की जो मुख्तलिफ थी। मेरा यही ख्याल था कि मैं वही मौजू कंटिन्यू करूं, मगर फिर मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस उस मौजू को इश्तिहार में पढ़ के भाग ना जाए कि ये वही बातें रिपीट करने वाली तो नहीं। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं, जनाबे मोहम्मद ईसा मुहक्किक खुरासानी थे, बहुत उम्दा शख्सियत थे आलम इस्लाम की। तो उनके बारे में ये है कि उन्होंने एक मौजू इंतखाब किया, इख्तियार किया, जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान करीम में आयत है मशहूर जिसे आयते करीमा कहते हैं। तो उन्होंने उस वो दो आयात हैं, तो एक आयत को उन्होंने बहस करार दिया। आप कंफर्टेबल हैं, नाराज तो नहीं हैं? तो उन्होंने उस आयत को मौजू बहस करार दिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 40 रोज तक मुसलसल वो उसी पर खिताब करते रहे। उसके बाद अगले साल जब वो तशरीफ लाए तो दोबारा उन्होंने वो आयत पढ़ी। तो उलमा का मजमा था, तो उनसे कहा कि आप फिर वही उसी मौजू पर पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि 40 रोज लगे थे मुझे यूनुस को मछली के पेट में दाखिल करने, और अब 40 रोज। तो मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि मुहक्किक खुरासानी जो थे उनके बारे में। अभी कुछ अरसे पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने, ये जो गुज़श्ता ये रईसी नहीं, इनसे पहले हुकूमत थी, तो एक सेमिनार हुआ उनकी याद में, मुहक्किक खुरासानी की याद में। तो उन्होंने बड़े अच्छे जुमलात कहे कि वो इतनी उम्दा और बर्जस्ता शख्सियत थे कि उनके बारे में ये है कि जब वो तकरीर के लिए, खिताब के लिए तशरीफ लाते थे तो मिंबर पर बैठते थे तो मोहम्मद ईसा ये मुहक्किक खुरासानी, दरिया ये मब्बा जे अंदीशे वो इल्मो मारिफत, ऐसे महसूस होता था कि एक बहरे बेकरा है इल्मो मारिफत का। और जब वो मिंबर पर तशरीफ लाते थे तो दरमियाने ईरानियों, अरबों, अजमों, अफगानी व मिल्लतों ये दीगर जितने भी वहां पे मुख्तलिफ कौमियतें थी, उन सब में उनकी एक इनफरादी हैसियत थी। तो जब वो मिंबर पर तशरीफ लाते थे तो बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने बोला कि शनमंदिरा बिदुने इनके एक जर्रे हिस्सा से खस्ते की कोना बराव ये साथ था मी खूब मी खैर वहाँ था शख्सियत हाई मानंदे बुनियान गुजार जमहूरी इस्लामी ईरान रहबरे इनखिलाफ इमाम खुमैनी व आयत अल्लाह उज़्मा खुई व रिजाल इल्मी दीगर हौजे इल्मी ये नजफ जीर मिंबर ईशान ساعت ها می نشستن تا آخر می نشستن و با دقت گوش می کردن که اونکی یه کیفیت تھی که جب وہ ممبر پر تشریف لاتے تھے تو گویا اپنے سامعین کی جو سماعتیں تھیں وہ ان کا پورا وجود وقف سماعت ہو جاتا تھا اور پھر وہ گھنٹوں تقریر کرتے تھے لیکن سامعین کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا कि वक्त इतनी तेजी से गुजर गया। तो 40 रोज तक उन्होंने उसको पहले बयान किया जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े को, और फिर 40 रोज उन्होंने कहा कि अब मुझे दरकार है यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकालने के लिए। तो दर वाक़े बात यह है कि ये जो अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम के मवाइज़ हसना हैं या उनकी बारगाह इस्मत से आने वाले फरामीन, रिवायात, फरमाइशात इतने ज्यादा हैं कि अगर सारा साल कंटिन्यूसली रोजाना मजलिस आज़ा हो और हम एक मौजू को इख्तियार करें और कई साल भी गुजर जाएं तो उस पर मवाद इतना ज्यादा है, इंसानी तरबियत के पहलू इतने ज्यादा हैं कि, और खास तौर पर ये जो मसला आजमाइश है
ये मसअला बंदगी है, इबादत है, दुआ है, ये वो मौजूदात हैं जो आपस में एक दूसरे से मुर्तबित तो मरबूत हैं। मासूम की एक हदीस है जिसमें आका ने दुआ का तारुफ कराते हुए इरशाद फरमाया है कि खालिक कायनात ने कुछ प्रिंसिपल्स करार दिए हैं, कुछ उसूल जवाबित करार दिए हैं दुआ के लिए, कि जब तुम दुआ करते हो तो यूं तो बहुत से जवाबित हैं, हमने भी बहुत बार बयान किए, कहीं पे अरबा ओ खिसाल, कहीं पे समानिया खिसाल, कहीं पे अशरो खिसाल, बहुत से, कहीं 10 उसके शरायत बयान किए, कहीं 8 बयान किए, कहीं पे 18 बयान किए, एक मकाम पे 3 उसके औसाफ बयान किए गए, और एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि 2 शराइत बड़ी अहम है इस्तेजाबत दुआ में। एक शर्त ये है कि इल्हा अरबी जबान में जिसको कहते हैं, कि जब तुम दुआ करो तो फिर उसमें मायूसी का तसव्वुर ना, दुआ करो तो फिर डट के दुआ करो तो यकीन कामिल के साथ दुआ करो तो फिर तुम्हें इस बात का इत्मीनान हो कि तुम्हारी आवाज सदा दशहरा नहीं है, बल्कि जिससे मुखातिब हो वो खालिक कायनात तुम्हारी आवाज को सुन रहा है, और वो ऐसी जात है जैसा कि जब हम दुआ करने लगते हैं तो उसमें भी शरायते दुआ में बयान किया गया आदाब दुआ में, कि कहो या समी हो या बसीर, तो समी उसको कहते हैं जिसको सुनने के लिए ना आवाज की जरूरत और ना ही आलाय समाहत कान की जरूरत, और बसीर उसको कहते हैं जिसको देखने के लिए ना आंख की जरूरत हो, ना बाहर की रोशनी की जरूरत हो, और ना किसी मंजर की जरूरत हो, वो उस चीज को महसूस कर सके, पा सके जो इंसान के नेहा खाना वजूद में मौजूद है, जैसा कि खालिक कायनात की। इसलिए इन्नल्लाह, और दूसरी जो शर्त बयान की गई है वो ये है कि मखलूक से इंसान, अरबी जबान में उसको कहते हैं इनकिता, जैसा कि एक मकाम पे मासूम की मुनाजात है, वो अपनी सप्लीकेशन में खुदा की बारगाह में दरखास्त गुजार होते हैं, इलाही हब्ली कमाल इनकिता इलैक व अनिर अबसार कुलूबिना बिजिया नजरहा इलैक हत्ता तखरिका अबसार कुलूब हुजबन नूर फतसिला इला मादिन अलअजमा व तसीरा अरवाहना मुअल्लकतन बिहिज्ज कुदसिक। इनकिता मुकम्मल तौर पर कट जाना, लेकिन कट जाने से मुराद सय्यदा कौनैन शहजादी आलम पैगंबर अकरम की दुख्तर बुलंद अख्तर शफी आए रोज़े जज़ा बीबी कायनात की अजीम शान शहजादी, जिनके लिए ये बयान किया गया है कि वो उम्मत पैगंबर गिरामी इस्लाम की शफात करने वाली हैं। तो सय्यदा कौनैन के बारे में जितने अहले सुन्नत उलमा हैं, क्योंकि ये चंद एक हस्तियां ऐसी हैं जिनके फजाइल व कमालात को यकसा सेहत के साथ तमाम मकातिब फिक्रे इस्लामी ने बयान किया, उनमें पैगंबर गिरामी इस्लाम की जात वाला सिफत है, मौला कायनात की जात वाला सिफत है, और सय्यदा कौनैन की जात वाला सिफत है, और हसनैन शरीफैन है। ये वो हस्तियां हैं पंचतने बाहियों, तो हमारे बाद के आइम्मे खुदा अलैहिम सलाम भी, खुदा मुझे तौफीक दे और इन मजालिस आज़म में मैं उनका तस्किरा भी आपके सामने कर सकूं, कि क्या आलम इंसानियत की बुलंदो बाला हस्तियां थी ये आइम्मे माँ बाप, क्या उनका मकाम शामिख बुलंद है कि एक एक ने वो आइम्मे खुदा जिनको फरजंदाने मकतबे तशय्यो में से बहुत से अफराद हमारी अक्सरियत उनका तारुफ नहीं रखती, उनके बारे में क्या क्या बरादरान ने क्या उनके फजाइल बयान किए, और किन अलकाबात से उन्हें याद किया जाता है, जैसा कि रावी कहता है कि रई तो मोहम्मद अब्न अली, हमारी यहाँ तो इतना तस्करा भी नहीं होता, रावी कहता है कि मैंने इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम को देखा सिनी के आलम में। तो चूंकि हमारे कुछ आइम्मा हैं, इमाम हैं, जो बचपने में मसनद इमामत पर फाइज हुए, तो रावी कहता है कि मेरे जहन में यह ख्याल था कि वैसे तो खानवादा बनी हाशिम बहुत से कमालात का हामिल है,
और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतों के हामिल अफराद हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा मसनदे इमामतुल्लाह पर फाइज हो जाए? तो रावी कहता है कि मैं ये सोचता हुआ चला जा रहा था कि अचानक रई तो मोहम्मद अबन अली तकी जवाब, मैंने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को देखा। बचपना है, 7-8 साल, 6-7-8 साल का सिन है। तो कहता है कि मैंने देखा, फासिला था, मेरे जहन में ये ख्याल था, लेकिन मैंने इतने फासले पर था कि वहां से तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं देखे जा सकते, मेरे चेहरे के तासुरात भी नहीं देखे जा सकते, मगर मेरे चेहरे पर कोई ऐसा तासुर था भी नहीं। अगर मैं उनके बिल्कुल करीब होता तो भी कोई शख्स महसूस ना कर सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मगर मैं था फासले पे। तो वहां दूर दरख्त के पास इमाम तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने मुझे पलट के देखा। मैं चलता हुआ चला जा रहा था, पलट के देखा, नीम निगाही से देखा और मुझे देख के मुस्कुराया और एक मन खेस तबस्सुम आपके लबाने मुबारक पर आ गया। तो कहता है कि फिर इमाम ने, जैतून का दरख्त था, चूंकि उन इलाकों में जैतून के दरख्त ज्यादा पाए जाते थे, जैतून का दरख्त था और इमाम उसके करीब खड़े थे, और इमाम ने मुझे जिस मानी खिलसी से देखा, और उसके बाद इमाम ने जैतून के पत्ते को लमस किया। तो रावी कहता है कि फयजरबो बियदेही इरा इला बरक सैतून फयसीरु फी कफ्फेही बरका फअखज़्तु मिन्हु कसीरन व अनफक्तुहु फिल असबाह फलम यतगय्यर। कहता है कि मैं देख रहा था जैसे जैसे फलियाज़रिब पे यदे ही गिला बर के सैतून, जैसे जैसे वो जैतून के पत्ते को लम्स करते थे वो चांदी में तब्दील होता चला जाता था। फयसीरु फी कफ्फे ही वरिका, और वो चांदी में का बनता चला जाता था। मैं करीब गया जब तक, तो कहता है कि मैंने अपनी चादर को बिछा दिया और मैंने ढीठ होके दरख्त के सारे पत्ते गिरा गिरा के अपनी अबाएं और जो भी मेरे पास सामान था उनको उससे लबरेज कर लिया। तो कहता है कि फा अखस तो मिन हो कसीरा, बहुत बड़े बड़े ढेर मैंने वहां से उठाए। फा अनफक्त हूँ फिल असवाक वलम यतगय्यर, और मैंने जब जाके बाजार में बेचा तो उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम के फजाइल अग्यार ने बयान किए, और कुछ हस्तियां, जैसा कि मैं आपसे गुजारिश कर रही थी, कुछ हस्तियां ऐसी हैं यानी पंचतने पाक, जिनके बारे में किसी मकतबे फिक्र इस्लामी में कोई इख्तिलाफ नहीं। हसनैन शरीफैन के बारे में पैगंबर की हदीस मुतबातिर है, मशहूर है कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना कामा और कादा। दोनों बातें हुजूर ने बयान कर दी, एक सुलूक करेगा दूसरा कयाम करेगा, लेकिन दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं, दोनों फराज़े इस्मत पर फाइज हैं। इसी चीज को हकीम उम्मत शायर बुलंद इकबाल ने बयान भी किया है अपने अशआर में, अंगे की शम शबिस्तान हरम हाफिज जमीयत खैरुल उमम खाने शीनत आतश पैकारों की खुश हिफाजत बर सर ताजुलगी व अन दिगर मौला ये अबरार जहान कुव्वत बाजू ये अहरार जहान दर नवा ये जिंदगी सूस अस हुसैन अहले हक हुर्रियत आमोस अस हुसैन। वो कहते हैं दोनों शहजादों के किरदार को बयान किया, दोनों की इस्मत को बयान किया। वो कहते हैं अन ये की शम शबिस्तान हरम हाफिज जमीयत खैरुल उमम, वो जो शहजादा खुश खिसाल हैं, सिद्दे अकबर हैं, हसन मुजतबा हैं, वो शम शबिस्तान हरम की हैसियत रखते हैं, हाफिज जमीयत खैरुल उमम, उन्होंने खैरुल उमम को, नाना की उम्मत को बचा लिया, उसकी हिफाजत की, था निशीनत आतश भई खा रुखी
पुष्ट हिफाजत पर सरे ताजो नगीन। उन्होंने ताजो नगीन को ताजो तख्तो सल्तनतो हुकूमत को अपने पैर की जूती की ठोकर से टुकरा दिया। नाना के दीन को बका अता करने के लिए, नाना के दीन को हयात जदीद अता कर। वान दिगर मौला ये अबरार जहान, कुव्वत बाजू ये अहरार जहान। और वो दूसरा कौन है? मीर कारवान करबला, सालार सरवर शहीदा। मुझे किसी ने इस दफा मीडिया पर पूछा, पूछते ही हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी के असरात क्या हैं हमारे मुआशरों पर, इंसानी मुआशरों पर। मैंने कहा, सुन रहा है हुसैन की आवाज जिसकी जितनी हदे समाअत है, सुन रहा है हुसैन की आवाज जिसकी जितनी हदे समाअत है। तो हुसैन का कौसर हिदायत करबला की प्यास के साहिल से रवा होकर, हिदायत बदोश पूछा पूछा गली गली मैं खाना मारिफत लिए हुए है। सिर्फ बेदारी शर्त है और मुहर्रम बेदारी का पैगाम है, बेदारी का पैगाम है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, कौमियतों से हर कौम कौमियतों से बालतर होकर, फरातर और बलंतर होकर पुकारेगी। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। अर्ज कर रही थी आपकी खिदमत में कि ये पंचतने पाक ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में तमाम मकातिब फिक्र इस्लामी में इत्तेफाक है, कोई इख्तिलाफ नहीं। मौलाए कायनात आका नामदार सरकार रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहजादी कौनैन की जात वाला सिफात, और हसनैन शरीफन जो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना सरदार जवाना ने जन्नत के मिसदाक के तौर पर आका नामदार ने जिन्हें मुस्लिम उम्मा को मुतारिफ कराया, तो आपने जो दुआ के उसलूब मुतारिफ कराए हैं उनमें पहली चीज तो ये है कि जब तुम बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हो तो तुम्हें अल्लाह की जात पर इत्मीनान कामिल होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज सदा बसेरा नहीं, वो सुन रहा है, वो समी है, वो बसीर है, वो अलीम है। और या मन होगा बिल मंजर अला, जैसा कि हम दुआ करते हैं तो कहते हैं ऐ वो खुदा जो बलंतरीन मकाम से हमें देख रहा है। तो यहाँ ये भी वजाहत कर दूं कि मुराद ये नहीं है कि खुदा अर्श पे है, वो बलंतरीन मकाम से हमें देख रहा है। ये एक किनाया है, बलंतरीन मकाम से देखना। बाइला खिलाफत सानिया के दौर में एक डेलीगेशन आया, पड़ा एक वफ्द आया यहूदियों का, और उनका मिजाज ये था कि वो बहुत स्टडी करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करके सवालात मुरतब करते थे अध्ययन आसमानी के मुताबिक, और फिर वो सवालात लेके आते थे मुसलमानों के खलीफा के पास और कहते थे कि बताओ अगर तुम शहर इल्म के जानशीन हो तो शहर इल्म की मसलत पर बैठे हो तो फिर बताओ कि इनके जवाब क्या हैं। तो फिर मौलाए कायनात ही को बुलाया जाता था। तो एक मरतबा यहूदी आए तो उन्होंने कहा कि कोई यहूदी आया तो उसने खलीफा से कहा कि बताओ अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो उसने कहा कि अल्लाह अर्श पर है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कुरान की आयत पढ़ दी। तो कुरान की आयत पढ़ने के लिए भी इंसान को पहले गौर और फिक्र करना चाहिए कि उसकी काफी मालूमात हैं कुरान के बारे में। कुरान की आयत पढ़ने के लिए खाली आयत पढ़ देना तो काफी नहीं, उसका मुफस्सिर भी होना चाहिए। और पाक पैगंबर ने फरमाया था कुरान के ये फजाइल हैं, ये फजाइल हैं, ये फजाइल हैं। तो उसके बाद आका ने फरमाया وَعَلِيٌّ أَفْضَلُ مِنَ الْقُرْآنِ, علی قرآن سے افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے؟ تو آقا نے فرما لِأَنَّهُ مُفَسِّرُ الْقُرْآنِ, اس لیے کہ علی ہی تو قرآن کا مفسر ہے, قرآن تو سامع ہے۔ امام شاکرین 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 امام شاکرین
अली मुफस्सिर कुरान है, ये कुरान के मुफस्सिर है, तो इसलिए इनका मकाम ज्यादा बुलंद है। वो तो सामित है, साकित है कुरान किताबी शक्ल में, जो नातिक तो ये है। तो उसने कहा कि अल्लाह कहाँ है, उन्होंने कहा कि अल्लाह अर्श पर है, रहमान अला अर्श इस्तवा। वो पढ़ा लिखा यहूदी था, उसने कहा कि इसका मतलब है कि जमीन अल्लाह के वजूद से खाली है। तो खलीफा ने कहा इसका सर कलम कर दो, तो जल्लाद उसकी जानिब बढ़ा सर कलम करने के लिए, एक्टिव था वो, पिछले कदमों भागा। जब वो भाग रहा था तो थोड़े फासले पर मस्जिद के एक गोशे में मौलाए कायनात अपने साथियों के अंदर तशरीफ फरमा। तो आका ने फरमाया भाग क्यों रहे, उसने कहा जल्लाद ताकीद कर रहा है। तो आका ने फरमाया क्यों, तो उसने कहा ये तुम्हारा अफसर कलम करना चाहता है। तो आका ने फरमाया तुम्हारा सवाल क्या है, उसने कहा मैंने पूछा था कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो आका ने फरमाया तुम्हारा सवाल गलत है। ये अलग बात कि वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अल्लाह ये सवाल गलत है। उसने कहा सवाल गलत कैसे, आका ने फरमाया कि वो खालिक कायनात अल्लज़ी ऐन अल-ऐन फला ऐन लहू। अब ये अरबी जबान जिसको आती हो वही समझ सकता है, ऐना यानी कहाँ है। तो अल्लज़ी ऐन अल-ऐन जिसने कहाँ को पैदा किया उसके लिए ला ऐन लहू, उसके लिए कहाँ वजूद नहीं रखता। उसने तो कहाँ को पैदा किया है, वो तो कहाँ का खालिक है। जब आका ने फरमा अल्लज़ी ऐन अल-ऐन फला ऐन लहू, तो वो यहूदी छोगा, उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पाक पैगंबर ने मौलाए कायनात का जो तारुफ कराया, हुजूर ने जितना बड़ा दावा किया था, आज तक दुनिया का हर दानिश पर बिरता एरब में है कि रेग सारे अरब से उठकर तुलुए सुबह कयामत तक के लिए कायनाती इंसानियत के मुअल्लिम का दावा करने वाले शहर इल्म की शान मुअल्लिमियत के मुजज़े का नाम अली इब्ने अबी तालिब हुआ है। तो हम आपसे अर्ज कर रहे थे कि दो चीजें जो शराइते दुआ में इस्तेजाबते दुआ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस को मासूमीन ने बयान किया है। एक तो ये कि जब तुम खुदा की बारगाह में अपने दामन नयाज को फैलाते हो तो मुकम्मल इनकता इलाही हबली कमाल इनकता इलाही, फिर परवरदिगार मेरा किसी और से कोई रिश्ता नहीं। जब मैं मकाम दुआ में करार पाऊं, तेरी बारगाह में हाजिर हूं, तो कमाल हबली कमाल इनकता इलाही, फिर मेरा सारा इन्हिसार तेरी जात पर है, मेरा इन्हिसार भी तेरी जात पर है, मेरा भरोसा भी तुझ पर है, मेरा तवक्कुल भी तुझ पर है, और तुझी से मुझे मांगना है। तो ये इस्तेजाबत तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा तकवीयत अदा करती है। दूसरा मसला जो बयान किया वो मासूमीन ने ये बयान किया कि जब तुम दुआ करते हो खुदा की बारगाह में, मासूम ने फरमाया कि इसरार करो, इल्हाह यानी मुसलसल खुदा से दुआ करते चले जाओ, मुसलसल दुआ करते चले जाओ। हालांकि दुनिया में जब हमें आदाब जिंदगी बयान किए जाते हैं, जिंदगी गुजारने के आदाब, तो उनमें ये कहा जाता है कि किसी को तंग मत करो, और क्या आपने सबको उनके मकाम पर रहने दो, किसी से कोई तकाजा ना करो, लेकिन ये वाहिद जात है, जितना इसको पुकारा जाए उतना ज्यादा ये इंसान को अपने करीब, और ये वो वाहिद जात है जिसका तकाजा है हमसे कि मुझे हर वक्त पुकारो, और जिसका बाब रहमत, बल्कि आप बाब रहमत हर वक्त अपने बंदों पे खुले हुए हैं। तो इन्नल्लाह औहा इला दाऊद अलैहिस्सलाम,
खालिक कायनात ने दाऊद नबी को वही की और दाऊद से खिताब किया, मन कता इलैया कफैतो हो, इस्तेजाबत दुआ की शर्त, मन कता इलैया कफैतो हो, जो दूसरों से कट गया, इलैया मेरी जाने गा गया, कश्तियां चला क्या है, तारिख चू बर खनारी या अंदुल सफीने सु गुफ्तन खारित हो बिनेगा इखिरत खतास दूरी मस सवाद वतन बास छुन रसीम थर के सबब जिरु ये शरीयत खुजारा वास खंदी दो दस्त खीश के शमशी बोर्दो गो हर मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदा ये मास मुकम्मल इनकिता इलाही हबली कमाल इनकिता इलैक परवरदिगार मुझे सब बना दे कि मेरा भरोसा मेरा तवक्कुल मेरा इत्मीनान मेरा रुजू मेरा रुझान सिर्फ और सिर्फ तेरी जात पर हो, मेरा तकिया सिर्फ तेरी जात पर हो, मैं तुझे दुनिया में अपने लिए पनागा समझूं, एक मुकम्मल पनागा, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। तो या दाऊद मन इनकता इलैया कफैतो, जो इनकिता के साथ दुनिया से कट के, जैसा कि मैं अर्ज कर रही थी कि पंचतने पाक ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में तमाम मकातिब फिक्र इस्लामी यकसा सेहत के साथ रिवायात बयान करते हैं, तो सैयदा कौनैन को जो बतूल कहा गया वो क्यों कहा गया, लिनकिता मिनत दुनिया इलल्लाह, या अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने अपनी रिवायत में बयान किया है कि शहजादी कौनैन को बतूल क्यों कहा गया, कहते लिनकिताहा मिनत दुनिया इलल्लाह, इसलिए कि मुकम्मल तौर पर दुनिया से उनका दिल कटा हुआ था और खुदा के साथ उनका दिल इतना मुर्तबित हो चुका था कि उनको बतूल कहा गया। तो जिसने दुनिया से कट के मेरी जात पर भरोसा करके मुझे पुकारा, मुझे अपना वली नेमत समझा, मुझे अपना मुनिम हकीकी समझा, मुझे अपना सरपरस्ते आला समझा, मुझे अपना राजदार समझा, मुझे अपना शरीक कार समझा, मुझे अपना अनीसो मुनेसो हमदम समझा, कफई तो हूँ मैं ही उसके लिए काफी, वमन सअलनी अतैतो, जिसने मुझसे सवाल किया मैं उसको अता करूंगा, वमन दानी अजिबतो, और जिसने मुझे पुकारा मैं उसकी पुकार पे लबैक कहूंगा। ये खालिक कायनात का वादा है, ये उस जात का वादा है जो ला युखलिफुल मीआद, जो कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करती। बल्कि यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, मैंने शेयर भी किया था एक लेटर नजर अली तालकानी का, अगर आपको याद हो, एक बहुत ही पाक दिल इनोसेंट मासूम नौजवान था। अब मुझे मुकम्मल तौर पे याद नहीं कि मैंने किस मेंबर से शेयर किया था, मगर गुज़श्ता साल मैंने शेयर किया और उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ख्वाहिश भी की कि मैं वो लेटर सुनाऊं। वो बड़ा मशहूर लेटर है और ये कोई वाकया ऐसे ही यूं ही बयान नहीं, यूं तो मैं खुद भी यूं ही बयान नहीं करती वाकयात, मैं हमेशा जो मुस्तनद बात हूँ वही बयान करती हूँ, ये मेरा शुरू से मिजाज है। लेकिन ये वाकया ऐसा है कि ये तेहरान के गुलिस्तान म्यूजियम में ये लेटर मौजूद है, लेटर टू गॉड के नाम से, नामे ही खुदा, तो जी नामे ही खुदा, तो उसने खत लिखा था खुदा को, नौजवान था, पाक दिल था, इनोसेंट था, बहुत ही साफ सुथरा नौजवान था और तेहरान के मदरसा मरवी का स्टूडेंट था। लेकिन चूंकि मदारिस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो ज्यादातर फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उस जमाने में तो बहुत ज्यादा हालात गंभीर और मुश्किल थे मदारिस के, तो नादिर शाह का जमाना था गालिबन, तो उसने वो नासिर शाह काचार का जमाना था, तो उसने अब जवान हुआ तो बहुत से ख्वाहिशात थे, बहुत से जरूरियात थे जो पूरे नहीं होते थे, और अब कहाँ से पूरे हों, तो वो तो दीनी मदरसे का स्टूडेंट है तो वहाँ पे तो बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी परेशानियां, और दूसरी जानिब जवानी भी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे। तो उसने फिर सोचा कि कुरान करीम में तो जाहिर दीनी मदरसे का स्टूडेंट था तो कुरान से मानूस था, तो उसने सोचा कि खालिक कायनात ने तो कुरान करीम में जो वादे दिए हैं
तो उसने कहा है कि इंसान का सबसे बड़ा राजदार दोस्त शरीकेकार मुनस अनीस हमदम साथी खालिकेगार नाम है, तो मुझे उसकी बारगाह में उससे मुर्तबित होना चाहिए। वो तेहरान अगर आप कभी तशरीफ ले जाएं, और जरूर तशरीफ ले जाएं तेहरान, ईरान तशरीफ ले जाएं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, देखने से ताल्लुक रखता है, जियारत के अलावा भी बड़ा तरक्की याफ्ता और बड़ा बेहतरीन तमत्तुन है वहाँ का। तो तेहरान के गुलिस्तान म्यूजियम में जाएं तो आपको वो खत मिलेगा, वहाँ लिखा हुआ है माजरा ये वाकई ये खमार दी बिनाम नजर अली तालिबानी के طالبی بسیار فقیر در مدرسه مروی تهران بود، تهران که مدرسه مروی کا ایک سٹوڈنٹ نظر علی طالقانی جو بہت ہی زیادہ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور اس نے خط لکھا نامی ای بخدا، اور اس خط میں اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت جناب خدا، जनाब खुदा की खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खिदमत है जनाब खुदा। कुरान फरमोदे ईद मा मिन दाबतिन इल्ला अल अर्ज इल्ला व अल्लाह रिज़्क़ुहा, हीच मौजूद जिंदगी नीस इल्ला इनके रूजी उ बर उहदे मन अस्त। बस मन हम एक जुम्बंदे हस्तम अस जुम्बंदगान शुमार ये जमीन, و در جای دیگر از قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، مسلما خدا خلف وعده نمی کند. پس این جانب بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارند، یک کالیس که یک صورتی همسری بسیار زیبا و متدین خانه بزرگ و وسیع یک باغ مقدار پول برای تجارت، لطفاً بعد از هم آهنگی به من اطلاع دهید. مدرسه مروی تهران حجره شماره 16 نظرعلی طالقانی. یه مختصر خط تھا جو اس نے تحریر کیا، اور اس نے لکھا کہ خدمت جناب خدا، मैं जनाब खुदा की खुद खिदमत में मेरी जानिब से ये मकतूब है। उसमें उसने लिखा कि इन जानिब बंदे ये शुमा हस्ता, ये आपका बंदा है। अजांजा के दर कुरान फरमोदे ईद मा मिन दाबतिन अलल अर्ज इल्ला व अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जैसा कि जनाब खुदा आपने कुरान में फरमाया है कि जमीन पर कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसकी रोजी हीच मौजूद जिंदगी में इल्ला इनके रोजी है ऊपर उहदे ये मनास, उसका रिस्क मेरे जिम्मे है। तो मन हम जुम बंदे अस्तम अस जुम बंदेगान शोर ये जमीन, मैं भी एक जमीन पे चलने वाला छोटा सा मौजूद आपकी पैदा करदा मखलूक में से। و در جای دیگر از قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، مسلما خدا خلف وعده نمی کند. آپ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارم، آپ کے ان دعووں کی روشنی میں اور آپ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ये बंदा नाचीज इन इन चीजों की इहतियाज रखता है, मुंदरजा जैल चीजों की। उसके बाद उसने लिखा हमसरी सीबा, एक बहुत 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 ज्यादा हसीन खूबसूरत खानदानी मुतदयन लड़की जवान जिससे शादी करना चाहे, खाने ही बुजुर्ग व वसी एक बहुत पौश इलाके में बड़ा बेहतरीन घर। अब आपके जहन में ये ख्याल ना आए कि इंसान मोमिन को कनाहत पसंद होना चाहिए, ये बड़ी थिन लाइन है, और लोगों में चूंकि दीन फहमी इस्लाम फहमी का फिकदान है इसलिए हमारे लोग दीन को अपने जहनी में इयारत पर परखते हैं। इसका कनाहत से कोई तजाद नहीं है, इस्लाम के पेशवाओं ने ये हुक्म दिया है कि हमेशा अपना टारगेट बड़ा रखो, हिम्मत बुलंद,
हमेशा बड़े मकासिद की तकमील के लिए कमर हिम्मत बांधो, और ख़ास तौर पे नौजवानों को ये खिताब है, मैं अपने खिताबात में कहती भी रहती हूँ कि बेस्ट एज यूथ है। जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहती हूँ, हमारे असातिद को मैं कहा करते थे, अगर मिखाई आबिद शबी फसिश जवानीस, अगर तुम्हें इबादत भी करनी है तो उसका मौसम है बहार जवानी, फसलिश जवानी। जवानी बहुत बड़ी नेमत है और इससे इंसान को फायदा उठाना चाहिए। इबादत का मजा भी जवानी ही में है, और खुशबख्त है वो इंसान जो जवानी में बारगाह खुदाबंदी से लौ लगा ले। जवानी में इबादत करना पैगंबराना रविश है, और खालिक कायनात फख्र मुबाहात करता है उस नौजवान पे जो जवानी में अपने खालिक से मुर्तबित होता है और उससे राजो नयाज करता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, इंसान के कुबा मुस्महिल होना शुरू हो जाते हैं, ना वो हिम्मत रहती है ना वो ताकत रहती है, रफ्ता रफ्ता तो इबादत का मजा भी खत्म हो जाता है। तो मासूमीन ने फरमाया है कि अपने टारगेट बड़े रखो। तो जो जहां तक कनात का मसला है वो ये है कि अगर हलाल रास्तों से आप अपने मकासिद को हासिल नहीं कर सकते तो हराम की जानिब ना जाओ, कनात कर लो, खुदा उसकी कॉम्पनसेशन कर देगा। और जिस तरह खुदा कॉम्पनसेट करेगा वो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। और उसको खुदा ने कुरान में फरमा फला तअलम नफ्सुम मा